ना मिलेगा थाना थाना संग्रामपुर इंस्पेक्टर खन्ना चौकीदार वर्मा सिपाही चौकीदार सुरावन सिंह काल छापा का हमारे दारू मिली रही तो जब फोटो खा लो तो मैं उधर बढ़ाएगा आगे क्या लाओ दिल्ली में रखी है फिर के खा ले उधर ले जाओ कहां ले है दिल्ली अंदर मैं रखी हुई है अलमारी साहब के पानी नहीं यार सब अलमारी में रखी है आज आज किया जाए तो खाने को छछावा जाए तो जान यार ये जलवा खा भाई लो साहब नहीं पीते हैं जूता का चार खराब लाओ उधर पड़े कहो अरे ना बोलते हम तो ये जितना चूतिया है उतना चूतिया तो नहीं बचो। और जब तो सिपाही हो उसे अपने लिए खड़ा हो मादक चौधरी इस पत्थर करना कौन कौन वहां से बाहर करना तुम दोनों को अभी सस्पेंड करता हूं। अपना अपना को भी अभी सजा दो और नहीं सर हमें सस्पेंड ना करो इलाके में मदद हो रहा है डकैती हो रही है खून खराबा हो रहा है शराब की नशे में डूबे हो। साहब एक छोटी सी बात इस छापा में दरबार जैसे दारू तो हम ये सोचा कि रात भी नहीं और शहर नहीं जाना तो आ आइए हो सर ना बोले के कल है सर आज की बार हम दारू पी हम कसम खाता हैं कसम दारू पी तो हमारे आगे तो मैं आंगर हो गया तो आगे तो मैं खड़ा अरे करो क्या बड़ी बात का बुरा ना मानो साहब बुरा मत मानो बुरा बाबा जी मेरी बात सुनो। देखो सरकार ने तुम्हें वर्दी दिया है यह वर्दी इसलिए है देश की रक्षा करो ये जो सर पर टोपी लगाए हुए हो इसे ताज बोलते हैं। ताज हम सबका ताज यही है और ताज का सम्मान होना चाहिए। घर को लगा लेते हो कभी घर को लगा लेते हो। नहीं साहब आप तो बढ़िया बात बताए हो बढ़िया बात बढ़िया बात अगर साहब जिंदगी में ना चार और ना भूत। सबसे पहले बता तुझे बोलने की अकल कब होगी? सर अब तो आएगी हमका अकल आ जाए आ जाएगा। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करोगे। अरे साहब इस गलती हम ना करबे सर हमका जिंदगी कबो पेड़ नहीं आवा बोलब अब आए तो अब हमका बोलो आज ये बताओ क्यों रणवीर सिंह के मदर की भाई का रखी है लेकर आओ अलमारी में रखी है जाओ लेकर आओ खड़े साहब तुम पे है कि सजन और तुम्हारी भी आदत खराब हो गई है। अरे इन लोगों ने आदत मेरी खराब कर दिया। अगर ये न पूछते तो मैं 2 करोड़ रुपया लेकिन गाड़ी को दे रहा है ये बहुत नीच आदमी है। तुम लेते लिया ना पीछे तो कौन सा जबरदस्ती करता वो तो कहता है जी हम अपना अच्छा हम कह रहे हैं। अच्छा ये ठाकुर के अखबार से कौन है? अरे साहब उसका नाम बदल लीजिए क्यों इस इलाके का मंदिर आदमी हो और माफिया आदमी है। अच्छा ये खाना उसी के वो है तो हम लोग हैं लेकिन परसेंट भगवान ये बताओ जब इतना वो मशहूर इंसान है तो उसके भाई का मदद कैसे होगा। हम सर ये नहीं आते मदद से हुआ लेकिन ये खाना उसी के बल पर है। अब इसके निशान में आप वही करें। ये सपना कौन है? सपना उसके भाई नाम के रवीर है। सपना उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी है। सपना ने अपने पति का खून कर दिया है। ये फाइट बाबा जी ये पहली बार सुन रहा हो किसी औरत ने अपने पति का खून कर दिया है। लेकिन सर उसके भाई जो जसपाल सिंह है उन्होंने लिखा था कि इसका किसी और नाजायज आदमी से संबंध था, इसलिए उससे मिला के ठीक है। काम करो, अपनी गाड़ी निकालो और मेरे साथ चलो। आप सबको बस पर चलना है। इस भाई की इंक्वायरी हम करेंगे और कुछ कभी और पानी का पानी अलग कर देंगे। हम लोग गाड़ी अपन गाँव ले जाओ यो आज हम तुम्हारे गाड़ी चढ़ा दो। तुम्हारी गाड़ी को क्या है? अरे हमारा गाड़ी पर चढ़ो। तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी की बैटरी खराब है। बैटरी खराब है, शराब पीने के लिए पैसे हैं, बैटरी के लिए पैसे नहीं है। नहीं साहब मोबाइल के साथ हम ना रही ठीक है। हर आपकी दौलत में लेते हुए भूत तो ली है, लेकिन भूत लेने वाले को क्या होता है जानते हो? आपको जिस बात से हम 60-70 हजार रुपया ले लिया हमका जो भैंस ली का है। हराम की दौलत है, हराम की दौलत को क्या होता है जानते हो? उसके औलाद अंधे काले लूले लगड़े पैदा होते हैं। अगर वो साफ सुथरी हो गए तो इतने नालायक होते हैं कि उनके खानदान का नामो निशान सब मिटा देते हैं। मतलब घोष नहीं हराम की दौलत की भीड़ भैंसने पर वो लाओ में मर जाएगी। हराम की दौलत भैंसने को मेरे बाहर चलो चलो आज हमारी गाड़ी पर तुम से चलो। अब कल अपनी अपनी गाड़ी ठीक करवा लेना। आइए मेरे साथ। बम्बई में अपना अच्छा कारोबार कर लिया है, हो गई ये सुंदर सा महल बनवा लिया है। आज हमने एक खत लिखा है जसपाल सिंह के पास ये भेजना है और इसमें हमने लिखा है भैया आप मुझे 20 लाख रुपया दीजिए। तो हमारे पास एक पूरी तहरीर है। अगर ये पूरी तहरीर थाने लेकर पहुंच गया तुम्हारी फांसी हो जाएगी। चलता हूँ ये खत जसपाल सिंह को देता हूँ। नमस्कार। आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय हम बम्बई में तुम्हारे पैसे से तो फैक्ट्रियां चला रहा हूँ और बफर सिस्टम हुए। आप जो है 25 लाख रुपए हमें दे दीजिए और तुम्हारे भाई ठाकुर अकबर सिंह के हाथ की लिखी हुई पूरी चाहिए हमारे पास है। अगर आप 30 लाख रुपया नहीं देते हो तो फिर हम खूनी तहरीर हमारे पठाने पेश कर देंगे तो जगत सिंह और जगपाल सिंह की फांसी हो जाएगी। आपका अफसोस चिंतक सुखेरा मिनाई हमारा नाम तो नहीं ना, हमारा नाम नहीं ना जगत सिंह। ऐसा लगता है कि हमारा भाई वापस समय कोई खूनी तहरीर अपने हाथ से लिखा है, वो खूनी तहरीर उसने अपने बेटे अमन को दिया होगा शायद, हमारा विचार है, सोच है। इसीलिए अमन को अपने पास रखा था, तभी 10 लाख रुपया उसे ले गया। 30 लाख रुपये की मांग आज उसने किया है। अगर हमको ऐसे ही ब्लैकमेल करता रहेगा तो हम तुम कंगाल हो जाएंगे, लेकिन हवेली बिक जाएगी। तुम एक काम करो, 30 लाख रुपया तैयार करो, 30 लाख और एक टिकट आने जाने के बंबई के लिए, ठीक। और अपना खर्चा इसी पते पर तुम बंबई जाओ, देखो सुखीर रहता कहाँ है, उसकी कमी निकालो। अगर उसकी कोई कमी हमारे हाथ लगती है तब उस सुखीर के बच्चों को बताएंगे। चलिए उसकी बात हम तुम्हें बताते हैं कि ठाकुर जगपाल सिंह क्या थे। जिस लड़के को या 5 जगह से बचा के लाए थे, आज एक भूखा डाकू बन गया है जसपाल सिंह। गाँव देगा मैं सो रहा था, अचानक एक सपना देखा। सपने में मुझे मेरे पिताजी मिले, सूर्य सरदार तो आज जमींदार जसपाल की हवेली जरूर उसमें कुछ नहीं कहेगा, हवा खाने जाती है, नाम सुनते नाम सुनते अब जो मत वो तीर करने वाला दूर भर। हाँ अब वो डरेगा पेपर ले लो और रास्ता में खोल के पढ़ना मत। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी सरदार जी। आओ हम अब चलेंगे कि ठाकुर जसपाल सिंह यादव बेकर सुबह को बुलाना चाहे तो बुला सकता है। आओ हमें जगह सुनाई करवाने हैं 30 लाख रुपए के इंतजाम। अभी फ्लाइट से जगत सिंह बंबई पहुंच जाएगा। जैसे समय करीब हो रहा है भंडारा का, ब्रह्म भोज का, शादी ब्याह का, भोज का, कौन भोज है बड़ा पता नहीं। अब देखिए क्या है। नमस्ते यार, जब जब तुम खतरे वाला इलाके खतरा उस दिन 30 लाख रुपया हमारा ऐसे चला गया। अरे तुम्हें चला जाओ रुपया इसी तरह से गया। मैं चला जाऊंगा, अरे हम समझ जाएगा संसार चला जाए, यहाँ कोई ना रहेगा, सभी जाए भैया। आप भी जाएंगे, मौज करो, खाओ पियो। अच्छा ठीक है, नमस्कार। आपको मालूम होना चाहिए यह रात 12:30 बजे हमारी हवेली पर हम लोग डकैती डालेंगे और तुम्हारा जाना हाथ काट लेंगे। आपका दुश्मन तेगा सिंह जो हमारे जान के पीछे पड़ गया मेरा दुश्मन है। अब सोचते रहने वाला कहाँ का आखिर है, कौन है? हर कोई बात नहीं, यह पत्र हम करके थाने में देंगे और अपनी जान की रक्षा के लिए हम पुलिस को अपनी हवेली पर पहरा लगवाते हैं। सबसे पहले हम थाने जाएंगे। बारवाटी में है छुट्टी पर गए, चलो कोई बात है। ये बताओ वो ठाकुर जसपाल सिंह के बारे में कोई सूचना मिली? हमारा नाम ठाकुर जसपाल सिंह है। ये जो थाना माधोपुर में है ये हमारे ही गांव में है। जी हाँ। आपका शुभ नाम? अभी आप नए नए आए लगता है। हाँ मैं नया आया। आप ठीक ठाक तो हैं? कोई आपको दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी होगी तो हवेली पर आ जाना। अच्छा ठीक है। थाना साहब मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा है सर, सेवा के लिए तो आपको मिली है। जी हाँ, इसीलिए तो हम खुश हुए हैं। जी हाँ, आपको देखकर हमें महान खुशी हुई है कि कम से कम इस माधवपुर गाँव में कोई एक ईमानदार अफसर तो आया है। ये पत्र हमारे पास आया है, कोई डाकू तेगा सिंह है। जी हाँ, आप पढ़ लीजिए। तो हमारी जान के पीछे पड़ा है और आज रात 12:30 बजे हवेली पर आएगा, डाका डालेगा और साफ शब्दों में लिखा है कि ठाकुर जसपाल सिंह मैं आपका दाहिना हाथ काट लूंगा। इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आपसे यही विनती है कि आप हमारी जान की रक्षा कीजिए। ये पत्र पढ़ लीजिए सर। जी एक काम करो, कुछ फोर्स ठाकुर साहब के हवेली के चारों तरफ लगा और सही वक्त हम चलेंगे। आप आइएगा, शराब पे हम पे बहुत उम्मीद। ठाकुर साहब आप चिंता न करें, आप पे फिट होकर जाएंगे। ठीक है सर। और मैं ठीक 12:30 बजे आपके हवेली पर आ जाऊंगा। धन्यवाद है सर। यदि कहीं ऐसा न हो मेरा हाथ कटिए तब आप लोग आइए। ऐसा नहीं होगा। ठीक है थाने साहब, जब थाना जाते तो बदमाश पहले कहा सर्वदिन मेरा बीमारी हालत में चल रहा था, मर गया जिंदा है इस समय छुट्टी पर गया है। अच्छा बहुत भूख लेता था साला। अच्छा सर जय हिंद। ध्यान रखिएगा। इसके चेहरे से हमें यह मालूम पड़ता है कि रघुवीर सिंह के मर्डर में इसका भी हाथ है। सबको यही हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। चलो हम पहले उस ठाकुर देगा को देखते हैं जो कितना खुदहार ठाकुर है। उसके हम जसपाल सिंह का आओ लेकिन अभी सुबह ठाकुर की हवेली पर रवाना हो जाओ। ठाकुर पिता से बांबे पहुंच गए हैं। बांबे पहुंच गए हैं। सामने कोई दिखाई दे रहा है। चलता उससे कोई पता पूछूंगा, लेकिन रास्ता नहीं हुई है। इधर चड्डा सिंह बॉम्बे पहुंच जाते हैं। उधर खुशीराम नाई की बेटी जिसका नाम सीमा काले से पढ़कर अपने घर की तरफ जा रही है। सीमा हमारी काले से छुट्टी हो गई है, अभी अपने घर चल रही है। ऐसे बने भैया इसलिए कुछ कहते हो